अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं। आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं आपके सामने। आज जो मशीन में रखी हुई है उसका जो मसला है ये है कि सामने चाल देख रहे हैं आप, ये चाल काम नहीं कर रहा है, पुर्जा ख़राब है इसका, चाल का फ्री हुआ है, देखें खुद ब खुद फ्री है। तो इसमें जो चाल चिमटा चलता है वो भी ख़राब है, जो कपड़ा खींचता है। आज हमारी वो भी ये वाला मौजूद है कि चाल का चिमटा और चाल का पुर्जा, ये हम ठीक करेंगे। ये हम मशीन डब्बे से निकालेंगे, ये मशीन देखें, ये फ्री हुआ है, देखें खुद ही, ये चाल चिमटा जो देख रहे हैं आप, इसको हम यहाँ से खोलेंगे, ये पेच निकाल कर ये चिमटा बाहर निकालेंगे, आपको दिखाएंगे क्या मसला है, ठीक है। और चाल का पुर्जा भी ठीक करेंगे। ये पेच लगा हुआ है चिमटे का और नट का नंबर है 9 या 10, जो भी लगे चाबी यहाँ से निकाले, 9-10 नंबर चाबी होती है। खोलने लगा हूँ, इसको खोल कर देखेंगे इसमें क्या मसला है। आप इसको सीधी करेंगे, गुटा यहाँ पर रखेंगे और ये ढक्कन, ये जो आपको केम नज़र आ रहा है, पेच नज़र आ रहा है, ये पेच खोलेंगे और ये चिमटा चाल का और ये चाल का पुर्जा है और ये इसमें चाल का रूलर है, ये तीनों बार निकाल कर ठीक करेंगे, इसको दिखा आपको दिखाएंगे इसमें क्या मसला है। इसको खोलें और थोड़ा सा पीछे करें ऐसे हल्का सा, पीछे करने के बाद इसको पीछे और चिमटा बाहर, ये हमने चिमटा निकाला है बाहर, इसको साफ करेंगे फिर अच्छी तरह, इसका पेज खोलेंगे, जी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से चिमटा चल चल का डाउन हुआ है, यहाँ से लेकर और यहाँ एक तरफ ये है और दूसरी साइड ये है, यहाँ से सेंटर वाला हिस्सा जो है डाउन है, तो हम इसे रिपेयर करेंगे। नया तो हर एक डाल लेता है लेकिन जो मरम्मत करने का तरीका था आज हम आपको बताएंगे एक नए अंदाज में, और ये पुराना है, अब देखें इसे वादा तो देखें, तो हम ये नया चिमटा नहीं लगाएंगे बल्कि इसी को रिपेयर करेंगे, इस रीति की मदद से ये चिमटा पूरा होगा दोनों तरफ से। ये थोड़ा सा रह गया, इधर से तकरीबन ठीक हो गया, देखें ये थोड़ा सा रह गया, ये भी ख़त्म करेंगे, फिर इसके ऊपर एक चीज लगाएंगे, हम आपको बाद में बताएंगे। देखें दोनों तरफ से लेवल हो गया, इधर से भी हो गया ठीक और इधर से भी इस देखो एक जैसा हो गया, ये दोनों तरफ एक जैसा हो गया। अब चिमटे को यहाँ से केम में डाल देखेंगे, बीच जो यहाँ से जो देख रहे हैं आप कैमरे की मदद से, ये लूज है चिमटा, इसमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है। ये आप जो देख रहे हैं चल कहते हैं, चल भी कहते हैं उर्दू में, लूजिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा गत्ता होता है जिसे हम कहते हैं फैबर, ये हार्ड होता है प्लास्टिक का नमा होता है, तो ये यहाँ पर लगाएंगे इस साइड से, इतना हम काटेंगे इधर से और इतना हम एक तरफ से काटेंगे, इस इधर इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें, एक तरफ से आपने लगाना है। ये मैंने काट लिया है इसके बराबर, सेम सेम इसके बराबर, और यहाँ पर जल्दी से लगा लें, और लगाने के बाद 5 मिनट इसको रहने दें। और ये आप जो अंदर वाला पुर्जा देख रहे हैं ये वाला, ये पेज खोलेंगे, ये खोलने के बाद ऊपर एक पेज होता है वो ऐड करेंगे, फिर ये पुर्जा ऐड हो जाएगा, ये ठीक खोलने पहले और ये पेज ऐड कर लगा,
शेयर कर दें और शेयर कर दिया। ये मैंने चिमटा लगा दिया मरम्मत करके, अब देखें बिल्कुल फिट हो गया। ये देखें चिमटा मैंने लगा दिया, अभी टाइट है, देखा टाइट है, ये टायर चिमटे की निशानी है। अब ये टायर मैंने काट दिया, वरना पहले तो वैसे ही उंगल काटे नीचे गिर पड़ता था, अब ये टायर हो गया। देखिए नाजी हमारी को वीडियो पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।